हेलो स्टूडेंट्स <coughs> मेरी आवाज आ रही है गुड इवनिंग कंफर्म करिए आवाज आ रही है मेरी ओके ऑल राइट एवरीथिंग इज क्लियर चलिए तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई <coughs> में जो अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है नीरज कुमारी गुड इवनिंग गुड इवनिंग यस है गुड इवनिंग इवनिंगा नीरज जायद अनामिका यादव ओके सबको गुड इवनिंग जितने भी लोग कनेक्टेड हो सभी बच्चों को तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सी बी एस सी एग्जामिनेशन में जो ये नया पैटर्न आया है हमारे पास एम सी क्यू बेस्ड उन पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसकी हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैनल पर साइक्लोट्रॉन ट्यूटोरियल में तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे साइक्लोट्रॉन ट्यूटोरियल पर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेवन आपका अल्टरनेटिंग uh, करंट क्लास ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक का चैप्टर सेवन अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस दिखेगा हम आपके सामने स्क्रीन पे ले आ रहे हैं क्वेश्चन हमारा अरिहंत से कलेक्ट किया हुआ है अरिहंत पब्लिशर से कलेक्ट किया हुआ है आप सब लोगों के पास होगा निखिल हेलो निखिल स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है अब हम लोग आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार कंफर्म कर दो बच्चों कंफर्म कर दो स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहे हैं ना विजिबल है नमस्ते नमस्ते निखिल नमस्ते वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं उसमें ठीक है और सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो रहे हैं अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाई दे रहा है रीडेबल है ओके चिराग चौहान करें सर ओके इट्स विजिबल गुड 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 तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस तो चार ऑप्शन आपके सामने एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट एट हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एट लो वोल्टेज एंड लो करंट एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट तो आपको पता ही है कि ट्रांसमिशन जब हम करते हैं तो वायर बहुत ज़्यादा यूज होता है तो ऑलरेडी लॉन्ग वायर की वजह से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर लॉस ज़्यादा होगा क्या होगा बच्चों पावर लॉस ज़्यादा होगा इस वजह से है ना तो आर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर क्या है ज़्यादा है तो आई स्क्वायर आर टी हीटिंग इफेक्ट से आई स्क्वायर आर टी ये हीटिंग इफेक्ट से पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो पावर लॉस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया अगर आप ज़्यादा करंट पे ट्रांसमिट कर देंगे तो पावर लॉस ज़्यादा होगा इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर हमारा सिग्नल को मॉडिफाई हमारे सिग्नल को मॉडिफाई करता है सूरज राजपूत हेलो सर हेलो ठीक तो पहला सवाल का जो जवाब है क्या है लो करंट पे ट्रांसमिशन करते हैं करंट को लो करते हैं और वोल्टेज को करंट को लो करने के लिए वोल्टेज को हाई करना पड़ेगा तो इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है प्रणाम प्रणाम अजय प्रणाम खुश रहो तैयारी करते रहे आप लोग और आप लोगों की तैयारी में हम लगे हुए हैं रेगुलर हम डिस्कशन करेंगे एम सी क्यू पे और सारे जो चैप्टर्स हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो समझ गए बच्चों ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग वोल्टेज को हाई कर लेते हैं चूंकि पावर कॉन्स्टेंट होता है देखो बच्चों पावर इसका क्या होता है वोल्टेज इनटू आई तो पावर तो चेंज नहीं कर सकते पावर तो कांस्टेंट है तो अगर आप वोल्टेज को हाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक करंट क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट सही है इसका आप लोग तो जवाब भी लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं चलिए सेकेंड क्वेश्चन करें वेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सी मीन द मीटर शोज द स्टीडी इनपुट वोल्टेज ऑफ टू ट्वेंटी वोल्ट दिस मीन्स इसका क्या मतलब हुआ इसको हम लोग समझते हैं ठीक है तो ये कह रहा है चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा है कि एक ऑल्टरनेटिंग मेन सोर्स है हमारा वो उसको हम मेजर करने के लिए हमने एक मीटर लगाया क्या लगाया मीटर लगाया जैसे वोल्ट मीटर हो गया तो वो 220 वोल्ट मेजर करता है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स है उसके बारे में वो चार ऑप्शन लिख रहा है क्या लिख रहा है कि इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज कह रहा है भैया वो तो एसी वोल्टेज है ही नहीं क्योंकि वो तो रीडिंग दे रहा है 220 वोल्ट की तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एसी मेन से कनेक्ट किया है तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया क्योंकि एसी वोल्टेज तो है ही दूसरा ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज टू ट्वेंटी वोल्ट ये मैक्सिमम मेजर कर रहा है सबसे करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी है क्योंकि आपसे यहां पे कहा जा रहा है स्क्वायर की मीन वैल्यू ये जो साइन होता है ये सिंबल होता है एवरेज का तो स्क्वायर की मीन वैल्यू से लेकर के वैल्यू ये क्या चीज़ है स्क्वायर मीन एंड एंड रूट तो ये हो गया आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये हो जाएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन पे आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा इस समय पंद्रह लोग कनेक्टेड हैं तो उम्मीद करते हैं लास्ट तक रहेंगे आप लोग और अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे और आंसर भी लिखेंगे जो आपसे सॉल्व हो जाए आंसर भी आप टाइप करेंगे कमेंट में चलिए थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं ऑल इन वन हेलो सर हेलो अमन यादव हेलो यूट्यूब जल्द हेलो अभिषेक सिंह गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग तो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में मेंशन हो कुछ भी डेटा दिया हो कुछ नहीं मेंशन हो कि वो क्या है इसका मतलब वो आर एम एस है तो ये किस टाइप का वोल्टेज है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वी आर एम एस गिवेन है वी आर एम एस कितना है टू ट्वेंटी वोल्ट की है राइट right? फ्रीक्वेंसी आपको गिवेन है फिफ्टी हर्ट्ज तो आपसे कह रहा है भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताइए तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ऑफ टू पाई एफ टी टू पाई एफ टी ठीक है तो इस ये जो वोल्टेज है ये आरएमएस वैल्यू है इसको पीक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा वी नॉट बाई रूट टू गिव यू आर एम एस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दो सौ बीस तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू हंड्रेड सॉरी टू ट्वेंटी रूट टू साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी रखोगे तो क्या हो जाएगा हंड्रेड पाई टी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कैप्टन भी आ गए भाई साहब हेलो कैप्टन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चे इफ द आरएमएस करंट इन अ फिफ्टी हर्ज एसी सर्किट इज फाइव एम्पियर कह रहा है कि आरएमएस करंट जो है वो फाइव एम्पियर है फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है तो द वैल्यू ऑफ करंट वन बाई थ्री हंड्रेड सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम जीरो जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है उसके इतने समय बाद वन बाई थ्री हंड्रेड सेकेंड के बाद उस करंट की वैल्यू को फाइंड करें तो देखिए बच्चों आई का फॉर्मूला क्या होता है करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ऑफ टू पाई एफ टी साइन ऑफ टू पाई एफ टी तो करंट का पीक वैल्यू अभी मैंने आपको बताया आर एम एस वैल्यू है तो आर एम एस वैल्यू को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पीक वैल्यू आ गया साइन टू पाई एफ टी टू पाई फ्रीक्वेंसी कितना है फिफ्टी, फिफ्टी, है ना फ्रीक्वेंसी फिफ्टी है और टाइम कितना कह रहा है कह रहा है वन बाई थ्री हंड्रेड सेकेंड वन बाई थ्री हंड्रेड सेकेंड तो ये कितने टाइम्स कट गया सिक्स टाइम्स कट गया ना बोलो सिक्स टाइम्स कट गया तो सिक्स टाइम्स यहाँ पे ये कैंसिल हुआ टू से फिर इसको काट दो थ्री तो कितना आ गया बताओ फाइव रूट टू साइन पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री कितना होता है साइन पाई बाई थ्री बताओ साइन पाई बाई थ्री होता है रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है ये टू से टू काट दो रूट टू टाइम्स तो आपका ऑप्शन बी आ जा रहा है बताओ बच्चों आया नहीं आया उद्यन हेलो उद्यन करण सिंह सर जी को नमस्कार नमस्कार करण करण मतलब आई थिंक साथ रोहन है ना चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम तो आप ये सारे क्वेश्चंस को करिए बिल्कुल आप लोगों को हेल्प मिलेगी जो एमसीक्यू जिस तरह से सीबीएसई पूछ रहा है उस इन एमसीक्यू के थ्रू आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और इसी से मिलते जुलते सवाल भी पेपर में आएंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ टेन एम्पियर करंट से अच्छा ऑफ आर एम एस वैल्यू टेन एम्पियर दस एम्पियर की आर एम एस वैल्यू है जो ऑल्टरनेटिंग करंट है दस एम्पियर की आर एम एस वैल्यू है ट्वेल्व ओम रजिस्टर में पास किया गया तो आपसे कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताएं तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताएं मतलब बच्चों क्या पूछा है इस बार वी नॉट पूछा है वी नॉट पूछा हुआ आपसे मैक्सिमम वोल्टेज बताना है आपको ठीक है तो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे बताएंगे बच्चों बताओ तो जाहिर सी बात है वी नॉट बराबर क्या होगा आई नॉट बाई आर क्योंकि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है और करंट की पीक वैल्यू नहीं दी है सवाल में आर एम एस दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लो ठीक है तो ये रूट टू टाइम्स हो गया और आर की वैल्यू है हमारे पास ट्वेल्व आर की वैल्यू है ट्वेल्व तो इसको सॉल्व कर लेंगे सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वी ओम्स लॉ लगाएंगे ना ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर आई नॉट इंटू आर आई नॉट कितना हो गया बच्चे आई नॉट हो गया हमारे पास टेन रूट टू और आर की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व आर की वैल्यू है ट्वेल्व यानी वन ट्वेंटी रूट टू वन ट्वेंटी रूट टू वोल्ट ठीक है तो 120 root 2 volt सॉल्व करेंगे तो वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन आएगा ठीक तो इसका आंसर ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए सेम करंट इज फ्लोइंग इन टू अल्टरनेटिंग सर्किट्स द फर्स्ट सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस एंड कंटेन्स ओनली अ कैपेसिटर ठीक है तो कह रहा दो सर्किट है एक पहले सर्किट में हमारा केवल और केवल क्या कह रहा है केवल और केवल एक सेकेंड पहला जो सर्किट है हमारा उसमें पहले सर्किट में कह रहा था तो फर्स्ट सर्किट कंटेंस ओनली इंडक्टेंस यानी पहला जो सर्किट है उसमें इंडक्टेंस ही है एल है और दूसरा जो सर्किट है हमारा उसमें केवल कैपेसिटेंस है ठीक है केवल उसमें क्या है कैपेसिटेंस है तो क्या करेंगे बताइए क्वेश्चन तो पढ़ लें पहले तो अभी इसका ऑप्शन इधर दे रखा है इफ द फ्रीक्वेंसी इधर दे रखा है इस क्वेश्चन का इसके ऑप्शन यहां दे रखे हैं देखिए बच्चों ये कह रहा है तो समझ में आया एक कह रहा है इंडक्टर है और एक कह रहा है कैपेसिटर है दो ऐसे सर्किट है अब करें अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की एसी सोर्स की कर इंक्रीज कर दी जाए क्या कर दी जाए इंक्रीज कर दी जाए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आपसे आपको पूछा हुआ है आपसे पूछा हुआ है करंट पे क्या इफेक्ट होगा करंट पे क्या इफेक्ट होगा तो बच्चों याद करो अगर हम सिर्फ इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होता था एक्सल होता था एक्सल होता था टू पाई एफ एल तो फ्री एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सल बढ़ेगा और एक्सल क्या होता था रेजिस्टेंस की तरह ही तो होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सल के ठीक है क्योंकि अपोजिशन है ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सल बढ़ा है तो एक्सल बढ़ाओगे तो करंट घटेगा तो एल में जो है वो करंट घटेगा तो एल में करंट घटेगा तो यही कह रहा है कि डिक्रीजेस डिक्रीजेस इन द फर्स्ट सर्किट ये वाला ऑप्शन देखो डिक्रीजेस इन द फर्स्ट सर्किट तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे सर्किट में इंक्रीज ही करेगा फिर भी दूसरे सर्किट का भी देख लो Xc क्या होता है वन पॉइंट टू पाई एफ सी अगर फ्रीक्वेंसी यहां पे बढ़ाया गया है तो Xc घटेगा और Xc भी क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटा है तो करंट क्या होगा बढ़ेगा करंट क्या होगा बढ़ेगा आई बात समझ में आएगी नहीं आई आए? अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर देखिए अन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है ये एल और यहां से हमने ये आर तो एल और आर ये आर एल सर्किट हो गया ठीक विद इन ए सी पोटेंशियल तो ए सी सोर्स से कनेक्ट कर दिया ठीक है भैया ए सी सोर्स से कनेक्ट कर दिया अब आपके सामने चार ऑप्शन लिखे गए हैं चार स्टेटमेंट आपको जवाब देना है ठीक है ओके हाँ हाँ करंट को मैं पहचान गया अतुल पहचान गया गुड तो <coughs> अतुल कह रहे हैं सर आ गया गुड बहुत अच्छे करते जाओ सवाल करते जाओ प्रैक्टिस होगी तो आपसे पहला ऑप्शन कह रहा है द करेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस लीड द पी डी एक्रॉस द इंडक्टेंस बाई फेज एंगल तो यहाँ पर कही कहीं ना कहीं फेज एंगल के बारे में यानी कि फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों तो अब आप बताइए फेजर डायग्राम आपको सिखाया था ये सप्लाई करंट है ये क्या है सप्लाई करंट है सप्लाई करंट सप्लाई के साथ कौन चलता है बताओ सप्लाई करंट के साथ कौन चलता है सप्लाई करंट के साथ कौन चलता है याद आया कुछ सप्लाई रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो सप्लाई करंट के साथ चलता है जबकि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वी नॉट एल वो सप्लाई से पाई बाई टू लीडिंग चलता है ठीक है देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको दिख रहा है ना तो सप्लाई करंट के सप्लाई के साथ कौन चलता है वी नॉट आर चलता है सप्लाई से लीड कौन करता है वी नॉट एल करता है अब आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द रेजिस्टेंस है ना लीड द पी डी एक्रॉस द इंडक्टेंस तो वो कह रहा है रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज लीड करता है रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज लीड करता है इंडक्टेंस से क्या ऐसा हो रहा है इस फेजर डायग्राम में देखो जो हमने यहाँ पे बनाया है आरएल सर्किट का इस फेजर डायग्राम में वोल्टेज इंडक्टर का लीड कर रहा है वी नॉट आर को या फिर सप्लाई करंट को जबकि ये बात गलत बोल रहा है ठीक है तो ए ऑप्शन गलत हो गया नेक्स्ट द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड पीडी अक्रॉस द इंडक्टर बाय एन एंगल पाई बाय 2 तो कह रहा है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का लैग कर रहा है लैग कर रहा है किसका इंडक्टेंस से लाइट लैग कर रहा है तो सही बात है जो वोल्टेज रेजिस्टेंस का है वो इंडक्टेंस से पीछे है पाई डिग्री में तो, तो लैग कर रहा है बिल्कुल सही बात है ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर एट अब हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की कह रहा है एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एल इन सीरीज इफ आर एंड द इंडक्टर रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू थ्री ओम तो ये एक तरह से आर एल सर्किट हो गया है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आर एल सर्किट है तो आर एल सर्किट हो गया बहुत अच्छे है तो ये है आर और ये है एल ठीक कह रहा है ये भी थ्री ओम है और ये एक्सल की वैल्यू भी थ्री ओम है दोनों का सेम अमाउंट दे रखा है लेकिन अगर इनका फेजर डायग्राम बनाया जाए इनका जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे फेजर डायग्राम तो क्या आएगा फेजर डायग्राम में थ्री ओम इधर की तरफ होगा ये वाला जो थ्री ओम एक्सल है वो लीड करेगा थ्री ओम ये एक्सल हो गया ये आर हो गया ये क्या है ये आर है ये एक्सल है तो ओवरऑल ओवरऑल जो अपोजिशन होगा कॉल्ड जेड वोल्टेज एंड सर्किट यहां से जो फेस डिफरेंस आया यही वोल्टेज ट्रेंगल में भी होता था तो चाहे यहां से निकाल लो चाहे वोल्टेज वाले ट्रेंगल से निकाल लो बात वही है इसी डायरेक्शन में वोल्टेज हुआ करता था ये वाला डायरेक्शन वोल्टेज का है और ये वाला डायरेक्शन आपका करंट का है तो आपसे आपसे पूछा है फाइव की वैल्यू बताइए ठीक है बच्चों तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है अगर मैं टेन फाइव लगा देता हूँ टेन फाइव ट्राइंगल में तो टेन फाइव को परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर थ्री बेस भी थ्री थ्री ने थ्री को मार दिया तो ये वन आया तो फाइव की वैल्यू हो गया पाई बाई फोर रेडियन ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है बताओ बच्चों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्लियर हो रहा है लिखते जाओ इस तरह से हमने आठ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए नौवे क्वेश्चन पे आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इन सर्किट कंटेनिंग आर एंड एल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंप्रेस्ड एसी इंक्रीजेस कह रहा है फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और सर्किट कैसे बच्चों आर एल है सर्किट हमारा आर एल है तो फेजर डायग्राम से अगर हम जेड देखें तो जेड क्या होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ठीक है तो एक्सएल क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे एक्सएल बढ़ता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे एक्सएल बढ़ेगा तो जब एक्सएल बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा जेड ही इंपीडेंस होता है ठीक है तो इंक्रीज करेगा तो इसमें कोई खास बात थी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन पे आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन वेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है एल सी आर सर्किट ठीक है तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट पेपर में आता है तो कह रहा है एसी वोल्टेज एलसीआर सर्किट को अप्लाई किया है एलसीआर मतलब सीरीज में आर लगा है एल लगाया है और सी लगा हुआ है ठीक है सीरीज एलसीआर सर्किट आपके सिलेबस में है आर एल सी तो आपसे क्या चीजें पूछा हुआ है पहला ऑप्शन आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर इन आर तो कह रहा है एलसीआर सर्किट में आई और वी जो है वो आउट ऑफ फेज है आउट ऑफ फेज का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट आउट ऑफ फेस का मतलब जस्ट ऑपोजिट तो ऐसा होता नहीं है ठीक अगर आप डायग्राम देखें तो ऐसा नहीं होता है। फेजर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ठीक है अभी फेजर डायग्राम हम लोग पढ़ लेंगे आई एंड वी आर इन फेस आई एंड वी आर इन फेस इन एल विद इन सी ठीक है दे आर आउट ऑफ फेज आई एंड वी आर इन फेस इन एल तो कह रहा है एल में जो है इंडक्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है और दे आर आउट ऑफ फेज और सी में आउट ऑफ फेज होता है ये भी गलत है है ना और L में कह रहा है कि आउट ऑफ फेज होते हैं आई और वी फोर्थ ऑप्शन है आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन एल एंड इन फेज इन सी तो इसका क्या ऑप्शन होगा बताइए आप लोग कमेंट करिए क्या लग रहा है करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज इन एल अच्छा हम इसका फेजर डायग्राम बनाए तो क्या निकल के आएगा सामने फेजर डायग्राम अगर आप देखो तो ये अगर करंट का फेज़र है तो वी नॉट आर वी नॉट आर इसके साथ चलता है वी नॉट एल लीडिंग होता है पाई बाई टू और वी नॉट सी लैगिंग होता है पाई बाई टू लीडिंग और ये पाई बाई टू लैगिंग ठीक है वी नॉट एल लीड करता है अब इसमें से आप ऑप्शन मैच करा लो तो वी नॉट एल और वी नॉट सी आउट ऑफ फेज होते हैं ठीक है तो आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन एल एंड इन फेज इन सी एल में आउट ऑफ फेज कह रहा है और इन फेज कह रहा है सी में थर्ड ऑप्शन कह रहा है आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन बोथ सी एंड एल सी और एल में जो है वो आउट ऑफ फेज है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है सी और एल में जो है वो आउट ऑफ फेज है आउट ऑफ फेज मतलब फेज वाइज अपोजिशन फेज वाइज अपोजिशन एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन पढ़िए इन इन एलसीआर सर्किट इन सीरीज सर्किट इज डिफरेंसेंसटी वोल्ट सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द द इंडक्टेंस इंडक्टेंस का वोल्ट सिक्सटी वोल्ट दे रखा है ठीक है बिटवीन द टर्मल कैपेसिटर का थर्टी वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस का फोर्टी वोल्ट दे रखा है तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और फिर इसका फेजर बनाएंगे फेजर के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर लेंगे ठीक है बच्चों ये मैं आपको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं अब आइए हम सॉल्व करते हैं तो इसके फेजर डायग्राम अगर देखें बच्चों तो क्या होगा ये इस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का वोल्टेज दैट इज फोर्टी वोल्ट हो गया इंडक्टेंस का लीड करता है ना लीड करता है ना लीड करता है कितना लीड करता है इंडक्टेंस का सिक्सटी वोल्ट लीड करता है पाई बाय टू से सिक्सटी पाई बाय टू लीड कर रहा है सिक्सटी वोल्ट है और कैपेसिटेंस में थर्टी वोल्ट है अब आप क्वेश्चन को पढ़िए तो ये कैप इंडक्टर का वोल्टेज है सिक्सटी वोल्ट ये कैपेसिटर का और ये रजिस्टर का वोल्टेज है अगर हम ध्यान से देखें तो सिक्सटी और थर्टी डायरेक्ट अपोजिशन में है सिक्सटी और थर्टी डायरेक्ट अपोज करते हैं फेज वाइज यानी ओवरऑल वोल्टेज सिक्सटी माइनस थर्टी यानी थर्टी बचा ओवरऑल वोल्टेज सिक्सटी माइनस थर्टी थर्टी बचा और इस डायरेक्शन में कितना बचा फोर्टी वोल्ट है पैलोलोग्राम से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वोल्टेज सप्लाई का आएगा क्या आएगा सप्लाई का वोल्टेज आएगा नाइनटी डिग्री पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा फिफ्टी वोल्ट क्या आएगा फिफ्टी वोल्ट तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है चलिए बच्चों ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके सामने स्क्रीन पे एन एल सी आर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू ए सोर्स ई इज एट रेजोनेंस कह रहा है रेजोनेस पे है रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक्सएल और एक्सी दोनों ने एक दूसरे को मार दिया यानी एक्सल और एक्सी के बराबर होता है. है ना ये एक्सल है ये एक्सी है और इधर कौन है आर है तो रेजोनेंस का मतलब ये इसने इसको बैलेंस कर दिया एक्सल और एक्ससी का इफेक्ट खत्म है तब तो आपसे क्या कह रहा है देन वोल्टेज एक्रॉस आर इज जीरो आर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो ऐसा नहीं होता है आर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा द वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज ये ऑप्शन सही है क्योंकि अगर आप इसका करंट का फेजर बनाएंगे तो जैसे मैंने ये इम्पेडेंस का फेजर बनाया है तो वी नॉट एल और वी नॉट सी वी नॉट एल और वी नॉट सी ये दोनों बैलेंस हो गए यानी सप्लाई वोल्टेज कहाँ गया सप्लाई वोल्टेज वी नॉट आर को मिला तो सारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो आर के एलोंग चला जाता है ठीक है चलिए होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है असाइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू थ्री हंड्रेड वोल्ट एंड एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फोर हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड इज अप्लाइड टू सीरीज एन सी आर सर्किट इन विच आर टू थ्री ओम एल इक्वल टू ट्वेंटी मिली हंडी सिक्स ट्वेंटी फाइव माइक्रोफाइट द पीक वैल्यू ऑफ करेंट निकालना है तो सबसे पहले आप इसका फेजर बनाएंगे फेजर बनाएंगे तो फेज़र क्या आएगा बच्चों बताओ फेजर में इस डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा इस डायरेक्शन में आर होगा आर होगा मतलब थ्री ओम ठीक है इधर हमारा क्या है एक्सल होगा और इस डायरेक्शन में हमारा एक्सी होगा ठीक है इसको थोड़ा मैं बोर्ड पे ले लेता हूँ इसको बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो बोर्ड पे देखिए आप लोग सीरीज एल सर्किट की बात कर रहा है वो तो सीरीज एल सर्किट की बात कर रहा है तो इसको अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है तो फेजर डायग्राम में क्या समझ में आया ये सप्लाई करंट अगर है तो इसके डायरेक्शन में कौन चलता है वी नॉट आर चलता है यहाँ पे हमारा वी नॉट सी चलता है सॉरी वी नॉट एल वी नॉट एल चलता है क्या चलता है वी नॉट एल V not L चलता है और इधर V not C पीछे चलता है और अगर अपोजिशन की बात करें तो इधर R है और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है एक्स एल है और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है एक्स सी है ठीक है तो अब अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी है ओमेगा दे रखा है थ्री हंड्रेड वोल्ट ये दे रखा है और आर एल सी की वैल्यूज़ दे रखी हैं ठीक है तो ओमेगा थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और वेल ये दे रखा है आपका थ्री हंड्रेड वोल्ट ओमेगा जो दे रखा है फोर हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड दे रखा है राइट फोर हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड दे रखा है थ्री ट्वेंटी और सिक्स ट्वेंटी फाइव ठीक है आर की वैल्यू क्या है थ्री ओम और ये है आपका ट्वेंटी मिली हेनरी और इधर दे रखा है सॉरी ये एल की वैल्यू है सिक्स ट्वेंटी फाइव माइक्रोफरट ये हमारा एल दे रखा है यहाँ पे एल की वैल्यू और ये हमारा सी की वैल्यू दे रखा है तो आप सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ एक्सएल अगर हम एक्सएल सॉल्व करेंगे दैट इज टू पाई टू पाई एफ एल या ओमेगा एल ओमेगा एल तो ओमेगा एल हो गया ओमेगा की वैल्यू कितनी है फोर हंड्रेड और एल की वैल्यू है ट्वेंटी मिली हंड्रेड तो टेन की पावर माइनस थ्री तो ये तीन जीरो तो खत्म हो गया ये तीन जीरो तो इससे ख़त्म हो गया यानी एट ओम आया तो एक्सल एट ओम आ गया एक्स सी क्या हो जाएगा वन बाई ओमेगा सी ये फार्मूला होता है और ओमेगा ओमेगा कितना है आपका फोर हंड्रेड सी की वैल्यू कितना है सिक्स ट्वेंटी फाइव टेन की पावर माइनस सिक्स तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्ससी आ जाएगा और फिर फाइनली इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर देंगे किस में इसमें तो आपका ये आ जाएगा एक्सल थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं एक्सएल माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी और ये आर तो यहाँ से आपको क्या करना है पेलोग्राम लॉ लगा के जेड तो जेड जब आप फाइन कर लेंगे जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस तरह से जब आपने जेड सॉल्व कर लिया तो करंट का एक्सप्रेशन वी बाई जेड से आ जाएगा तो फुल बच्चों सॉल्व कर लोगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है तो यहां से आपको मिल जाएगा बस उसे पीक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या करें इन एन एल सी आर सर्किट इफ इम्पीडेंस इज रूड टू टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस देन फाइंड द फेस डिफरेंस तो इम्पीडेंस वैल्यू रूट टू टाइम्स रजिस्टेंस दे रखा है तो फेस डिफरेंस निकालना है आपको ठीक है निकालते हैं निकालते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड की वैल्यू रूट टू टाइम्स रूट टू टाइम्स आर दे रखा है ठीक है तो यहां से आर बाई जो जेड की वैल्यू आ गई आर बाई जेड दैट इज वन बाई रूट टू और आपको पता है आर बाई जेड क्या होता है कॉस फाइव होता है कॉस फाइव होता है होता है नहीं होता है ये आर है और अगर ये एक्सल है सपोज करो तो ये क्या हो गया आपका ये जेड हो गया तो किसी भी ए सर्किट में जेड और आर के बीच का जो एंगल होता है फाइ होता है कॉस फाइ आर बाई जेड तो यहाँ से कॉस फाइ आ गया यानी कि ये कॉस पाई बाई फोर सो फाइ की वैल्यू हो गया पाई बाई फोर रेडियन पाई बाई फोर रेडियन ठीक है फोर्टी फाइव डिग्री तो इसका आंसर हो गया फोर्टी फाइव डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आर की वैल्यू दे रखा है सर्किट विल बी मिनिमम इम्पीडेंस विल बी मिनिमम बताइए क्या है इम्पीडेंस मिनिमम होता है कब जेड की वैल्यू मिनिमम कब होता है रेज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम का मतलब हो गया रेजोनेंस क्या मतलब हो गया रेजोनेंस और रेजोनेंस का मतलब हो गया कि आप ये फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हो वन पॉइंट टू पाई अंडर रूट एल सी ये यूज कर सकते हो कर सकते हो ना वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी और एल की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है टेन की पावर माइनस थ्री सी की वैल्यू हमारे पास है टेन की पावर माइनस सेवन सॉल्व करेंगे तो ये आ गया टेन की पावर फाइव बाई टू पाई तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया यहाँ पर ठीक है कुछ लोग सॉल्व भी कर रहे हैं बहुत अच्छे वेरी गुड सॉल्व करते रहिए इससे आपकी स्पीड भी बनेगी नेक्स्ट आइए आप हम बात करते हैं बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की फ्रिक्वेंसी हो तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा क्वालिटी फैक्टर सर्किट का क्या होगा तो क्वालिटी फैक्टर आप लोग जानते हो बच्चों क्या होता है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी ठीक है क्वालिटी फैक्टर एल की बेहतर सेलेक्टिविटी के लिए जाना जाता है कि जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना अच्छा सेलेक्टिव सर्किट होगा और उतना अच्छा रेजोनेंस मिलेगा चैनल ट्यूनिंग के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपको पढ़ाया था वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी ठीक है ये क्या बताता है ये बताता है कितना बढ़िया आपका एल सर्किट है इसकी डेफिनेशन थी एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी लॉस का रेशियो एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी लॉस का रेशियो लॉस कम से कम होना चाहिए और स्टोर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तब उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन दे रखा है एनसीआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी पूछा गया है तो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग बेटर ट्यूनिंग सर्किट का तभी होगा जब उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा क्वालिटी फैक्टर से साफ साफ पता चल रहा है कि आर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए एल की वैल्यू हाई होनी चाहिए तो इन चारों ऑप्शन में चेक कर लो सबसे मिनिमम वैल्यू आर की कहाँ दे रखी है ये दे रखी है आर की सबसे कम वैल्यू फिफ्टीन है और एल की वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए तो इन सब में सबसे हाई वैल्यू ये दे रखी है यानी कि सी ऑप्शन हो गया ठीक है बच्चों क्लियर हो रहा होगा उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे आते हैं एटीन पर क्वेश्चन नंबर एटीन पे आइए बच्चों एटीन पर क्वेश्चन नंबर एटीन में कह रहा है EMF जो है वो ई नोट टी है करेंट हमारा है आई नोट टी माइनस फाइव है तो व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल ऑफ एसी यानी एवरेज पावर आपका फॉर्मूला पूछ रहा है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था आई आर एम एस इसमें ई e के टर्म्स में दे रखा है तो ई e के टर्म्स में लिख देता हूं मैं आपको पढ़ाया था ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव ये फॉर्मूला होता है एवरेज पावर कंजम्पशन का तो ई आर एम एस को अगर हम पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई रूट टू और आई आर एम एस की वैल्यू रखेंगे तो आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव कॉस फाइव तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव तो इस प्रकार ये आपका सही जवाब हुआ कि जो पावर कंजम्पशन हो रहा है वो सर्किट में ये है ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 110 rms वोल्टेज इज सप्लाइड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 11 ओम रेजिस्टेंस 11 ओम है और इंपीडेंस हमारा 12 22 ओम है तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा ठीक है तो कुल मिलाकर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है क्या डाटा दे रखा है इसमें लिख लेते हैं रेजिस्टेंस है 11 ओम ठीक इम्पीडेंस कुल अपोजिशन है ट्वेंटी टू ओम ये दे रखा है और वी आर एम एस दे रखा है यहाँ पर तो आपका पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है पावर कंजम्पशन होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इन टू कॉस फाइव ये होता है होता है वी आर एम एस कितना दे रखा है वन वन जीरो बहुत अच्छे आई आर एम एस क्या होता है आई आर एम एस होता है वी आर एम एस अपॉन जेड VRMS 110 और जेड की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टू कॉस होता है वैल्यू और की ट्वेंटी टू तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा टू सेवेंटी फाइव वॉट ये सॉल्व होकर के आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एसी जनरेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर करता है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एसी जनरेटर कन्वर्ट करता है ठीक है बच्चों तो वो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नेक्स्ट सवाल फिर से क्वालिटी फैक्टर पे बेस्ड सवाल आ गया कह रहा है सेलेक्टिविटी ऑफ सीरीज एल सी सर्किट बताइए सीरीज एल सर्किट सेलेक्टिव होगा कब जब एल की वैल्यू लार्ज होगा और आर की वैल्यू स्मॉल होगा एल इज़ लार्ज एंड आर इज़ स्मॉल क्योंकि एल क्या है वो एनर्जी को स्टोर करता है और आर क्या है आर लॉस करता है तो आर कम होना चाहिए और एल ज़्यादा होना चाहिए तो इसका सी ऑप्शन है तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को इस डिस्कशन को अपने डिफरेंट डिफरेंट डिफरें ग्रुप्स में शेयर करिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हों और इसका फ़ायदा ले सकें ठीक है चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे The core of transformer is laminated. Laminated core use करना चाहिए भैया ट्रांसफार्मर में बताया था आपको क्योंकि लैमिनेटेड कोर का मतलब होता है कोर जो आप जिस पे वाइंडिंग लपेटी यही होती है वो पतली पतली शीट्स में कट करके इंसुलेटिंग मटेरियल से चिपका देते हैं उससे एडी करंट बनने नहीं पाता एडी करंट कम हो जाता है तो एडी करंट क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है जिससे एनर्जी लॉस भी कम हो जाती है तो एनर्जी लॉसेस ड्यू टू करंट्स मे बी मिनिमाइज ठीक है तो सर हेलो चिराग <laughs> अभी आए कोई बात नहीं इस सारे डिस्कशंस को आपको देखना है ठीक है सारे क्वेश्चन करना है आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्रांसफॉर्मरेश ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है बच्चों आपको याद करो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ाया था E2 टू अपॉन ई वन बराबर एन टू बाई ये पढ़ाया था ना इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं इस इसके की वैल्यू को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा मिले क्या चाहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप का क्या मतलब होता है स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ज्यादा वोल्टेज कैसे ज्यादा वोल्टेज होगा जब एन टू एन वन से ज्यादा होगा यानी कि के की वैल्यू वन से ज्यादा होगा एन टू एन वन से ज्यादा होगा यानी एन टू बाई एन वन की वैल्यू वन से ज्यादा होगा तभी स्टेप अप हो पाएगा तभी तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो दैट मीन्स ग्रेटर देन वन तो बी ऑप्शन इसका हाँ लेट हो गया कोई बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उसको आप है ना ये YouTube पे पढ़ा रहेगा वीडियो आप उसको दोबारा देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आइए जल्दी रीड करिए बताइए 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 क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन टू थर्टी वोल्ट लाइन ये इनपुट ऑपरेट्स कह रहा है इनपुट वोल्टेज है सप्लाइज अ करंट ऑफ टू एंपियर और दो एम्पियर की करंट सप्लाई देता है यानी कि आउटपुट हो गया तो आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स यानी ये हो गया एन वन बाई एन टू तो आपसे कह रहा है प्राइमरी करंट बता दो प्राइमरी करंट बता दो बोर्ड पे आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मर है ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है यहाँ 230 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर इस तरह से ये एन वन है ये एन टू है ठीक है और क्या क्या, चीज़, क्या चीज़ें बोली गई हैं एन वन बाई एन टू ट्वेंटी फाइव है और आउटपुट करेंट टू एम्पियर है ठीक है एक बटे पच्चीस एन वन बाई एन टू हमारा क्या है दैट इज़ वन बाई ट्वेंटी फाइव और आउटपुट करेंट आपका दो एम्पियर है बच्चों तो आपसे क्या पूछा है एक बार सवाल और देख लेते हैं आपसे पूछा है प्राइमरी करंट क्या होगा प्राइमरी करंट बताइए यानी इसमें जो करंट है वो फाइंड करनी है आपको याद करिए आपको मैंने बताया था हंड्रेड परसेंट एफिशेंट ट्रांसफॉर्मर हंड्रेड परसेंट एफिशियट ट्रांसफॉर्मर के लिए एक रिलेशन पढ़ाया था याद करो आपको क्या पढ़ाया था आपको रिलेशन पढ़ाया था ई टू बाई ई वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू तो आप ये हंड्रेड परसेंट एफिशियंट ट्रांसफॉर्मर के लिए ये यूज कर सकते हो तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो आपसे आई वन पूछा हुआ है तो आई वन बराबर हो गया एन टू बाई एन वन टाइम्स आई टू और एन टू बाई एन वन यहाँ देखिए एन वन बाई एन टू वन बाई ट्वेंटी फाइव है तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव और आई टू यानी करंट ये वाला टू सो दिस इज फिफ्टी एम्पियर तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फिफ्टी एम्पियर वाला होगा दैट इज ये फिफ्टी एम्पियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मर हैज फिफ्टीन हंड्रेड टर्न्स इन द प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल में इतना है तो नंबर ऑफ टन घटा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा इफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी इज प्राइमरी क्वाइल टू हंड्रेड वोल्ट है देन द वोल्टेज इन द सेकेंडरी क्वाल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है E2 टू बाई ई वन इज इक्वल टू क्या होता है N2 टू बाई एन वन होता है पता है आपको सो so, E2 टू बराबर हो गया N2 N2 की वैल्यू कितना है वन वन टू फाइव डिवाइडेड बाई एन वन की वैल्यू है फिफ्टीन हंड्रेड वोल्ट इन टू ई वन ई वन कितना है दो सौ तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वन फिफ्टी वोल्ट आएगा आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो ठीक है बच्चों तो होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए ट्वेंटी सिक्स पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स क्या करा है रेशियो ऑफ़ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफॉर्मर इज थ्री रेशियो टू ठीक है तो एन टू एन टू बाई एन वन एन टू बाई एन वन जो है वो थ्री रेशियो टू है थ्री रेशियो टू है ठीक है इफ दी पावर आउटपुट बी पी कह रहा है आउटपुट पावर पी मिल रहा है तो इनपुट पावर बताइए और साथ में कह रहा है नेगलेक्टिंग ऑल लॉसेस तो अगर सारे लॉसेस आप नेगलेक्ट कर दे रहे हो तो फिर तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया हंड्रेड परसेंट एफिशियट हो गया हंड्रेड परसेंट एफिशियट का मतलब हो गया कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगा इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगा सो आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन की पे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह ट्रांसफॉर्मर है दैट इज कनेक्टेड टू वन ट्वेंटी वोल्ट एसी सप्लाई एक सौ बीस वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है तो आपसे कह रहा है कि इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट रजिस्टेंसेज आर वन पॉइंट फाइव एंड वन होम रेस्पेक्टिवली फाइंड आउटपुट पावर आउटपुट पावर बताइए ठीक तो बोर्ड पर आते हैं एन वन बाई एन टू फिफ्टी एन वन बाई एन टू आपका ये ट्रांसफॉर्मर है यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है एन वन बाई एन टू जो है वो वन बाई फिफ्टी की वन है क्वेश्चन में और यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है आर वन और इसका रेजिस्टेंस आर टू तो आर वन की वैल्यू जो इसमें दे रखी है वो वन पॉइंट फाइव किलो ओम और आर टू की वैल्यू है हमारे पास वन ओम तो आपको आउटपुट साइट पावर पूछा हुआ है क्वेश्चन है ना आउटपुट साइट पावर पूछा हुआ है कि कितना होगा एक सौ बीस वोल्ट इनपुट भी दे रखा है एक सौ बीस वोल्ट इनपुट भी दे रखा है एक सौ बीस इनपुट साइड तो आपसे पूछा आउटपुट पावर बताइए देखिए बच्चों कैसे सॉल्व होगा जो पूछा है उस पर जाओ आउटपुट पावर की अगर अपन बात करें तो आउटपुट पावर जो है हमारा वो क्या होगा वोल्टेज करंट है ना लेकिन करंट तो पता नहीं है करंट तो पता नहीं है तो यहां पावर के रूप में क्या मिल रहा है हमें हीट मिल रहा है ना तो दैट इज ई टू स्क्वायर बाय आर टू e2 स्क्वायर बाय r2 अब e2 की वैल्यू क्या होगी e2 की वैल्यू क्या होगी e2 की वैल्यू आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से e2 बाय e1 बराबर n2 बाय n1 ये आप जानते हो n2 बाय n1 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा दैट इज 50 हो जाएगा सो so, यहाँ से e2 आ गया 50 टाइम्स e1 50 टाइम्स e1 और e1 कितना है 120 वोल्ट ठीक है तो आउटपुट जो पावर हो गया वो हमारा हो गया 50 इन वन ट्वेंटी का स्क्वायर और रेजिस्टेंस आर टू साइड हमारा क्या हो गया दैट इज़ वन ठीक है तो फुली आप को समझ में आया होगा एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है एन वन बाई एन टू फिफ्टी रेशियो वन एन वन बाई एन टू फिफ्टी रेशियो वन दिया था एन वन बाई एन टू फिफ्टी रेशियो वन तो एन टू बाई क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे फिफ्टी रेशियो वन दिया हुआ था सॉरी फिफ्टी रेशो वन दे रखा था फिफ्टी रेशो वन दे रखा था ये डेटा मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे ये फिफ्टी रेशियो वन दे रखा है फिफ्टी रेशियो वन दे रखा है इसका मतलब कि ये हमारा हो गया क्या हो गया बताओ एन टू बाई एन वन वन बाई फिफ्टी हो गया वन बाई फिफ्टी तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे गलत आ गया आउटपुट वोल्टेज हमारा ईवन बाई फिफ्टी और इवन कितना है वन ट्वेंटी बाई फिफ्टी तो यहाँ से ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेल्व बाई फाइव तो ट्वेल्व बाई फाइव रखोगे आप तो ट्वेल्व बाई फाइव का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस है वन तो इसको सॉल्व कर लेंगे इसका हो जाएगा वन फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है फाइव टू सिक्स के बीच का कोई नंबर आएगा जो कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं फाइव टू सिक्स के बीच का नंबर हमारा ये है तो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है तो आपका ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे आइए अब आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी सोर्स इज़ डबल्ड अगर हम फ्रीक्वेंसी ए सी सोर्स के डबल कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो आप जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वन बाई टू पाई एफ सी होता है तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ़ है तो अगर आप फ्रीक्वेंसी टू एफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा हाफ हो, जाए। हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा यहाँ टू एफ रखोगे तो वन बाई टू हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रहा है एलसीआर सर्किट है सीरीज में वोल्टेज अक्रॉस ईच एल को भी वोल्ट मिल रहा है आर को भी और सी को भी तीनों को समझ रहे हो आप ये आर है ये एल है ये सी है सबको सौ सौ वोल्ट मिल रहा है इसको भी सौ इसको भी सौ इसको भी सौ वोल्ट मिल रहा है तो आपसे कह रहा है भाई एलसी को

एल और सी दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं यानी नेट अपोजिशन उनका जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों नेट अपोजिशन जीरो हो जाएगा तो एल और सी का इफेक्टिव वोल्टेज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी इन एन एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम सी टू सी कह रहा है कि कैपेसिटेंस एल सर्किट में हमने सी से टू कर दिया तो आप बताइए फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज हम चाहते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो उसके लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए एल से क्या कर दिया जाए जिससे कि फ्रीक्वेंसी ना बदले रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वही बद वही रहे तो आइए इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करते हैं बोर्ड पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में कह रहा है भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ना बदले रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन पॉइंट टू पाई अंडर रूट एल सी दो सर्किट की बात कर रहा है एल वन सी वन फिर हमने दूसरी दूसरे सर्किट में फिर एल और सी बदल दिया सी बदल दिया तो ऑब्वियस सी बात है एल भी बदल जाएगा दोनों साइड दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है दिस मीन्स अगर हम स्क्वायर कर दें और इसको कैंसिल आउट करके स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा एल वन सी वन एल टू सी टू तो फाइनली हमसे पूछा है भाई एल टू कितना हो जाएगा तो एल वन सी वन बाई सी टू ठीक है एल वन की वैल्यू एल है सी वन हमारे पास सी है सी वन को कह रहा है टू सी कर दिया गया तो सी से सी कैंसिल हो गया तो एल टू हमारा एल बाई टू हो जाएगा एल बाई टू हो जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन आ गया सी ठीक क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आंसर कर रहे हैं विनय अभी तक लगे हुए हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो पूरा पीछे जाके वीडियो सारे क्वेश्चन करेंगे हमारे साथ साथ ठीक है हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किया तो आपकी आदत बनेगी नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की चलिए तो आगे करते हैं नेक्स्ट आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर टू बी ट्वेंटी फोर वोल्ट ट्वेंटी फोर वोल्ट इसका आउटपुट वोल्टेज है बारह वॉट का बल्ब लगा दिया गया है तो बल्ब कहाँ लगाएंगे आउटपुट साइड तो आपसे कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है चलिए पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं ये ट्रांसफॉर्मर है इस क्वेश्चन में और आपसे कह रहा है इस साइड इस साइड एक बल्ब लगा दिया गया एक बल्ब लगा दो ऐसे बल्ब लगा दो ऐसे यहाँ पे आपसे कह रहा है ट्वेंटी फोर वोल्ट हमें मिल रहा है और पावर जो है वो ट्वेल्व वॉट है 12 बल्ब का पावर 12 है है 24 वोल्ट मिल रहा रहा तो आपसे कह भाई पीक वैल्यू ऑफ करंट बता दो इस साइड जो करंट है वो कितना मिला उसकी पीक वैल्यू बता दो बहुत अच्छे तो पावर बराबर क्या होता है पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट ये तो होता है वी आई तो पावर हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है बारह वॉट वोल्टेज कितना मिल रहा है ट्वेंटी फोर ठीक तो यहां से जो करंट निकल के आएगा वो आर एम एस वैल्यू निकल के आएगा ध्यान रखना आर एम एस वैल्यू तो ये आ गया आपका वन बाई टू एम्पियर जो की आर एम एस वैल्यू है कुछ नहीं कहा तो ये आर एम एस वैल्यू ही होता है क्योंकि जो आपने ट्वेंटी फोर रखा है आर एम एस रखा है तो आर एम एस रखा है तो आर एम एस ही मिलेगा लेकिन आपसे पीक वैल्यू पूछा है और आप जानते हैं पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू गिव यू आई आर एम एस और आई आर एम एस वन बाई टू है So, यहां से आई नॉट हो गया रूट टू डिडेड बाई टू यानी कि वन बाई रूट टू सो so, वन बाई रूट टू वाला ऑप्शन आप टिक कर दो यानी फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन तो फुली समझ में आओगे बच्चों आ रहा है ना समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन करेक्ट सॉरी इन करेक्ट पूछा है करेक्ट नहीं पूछा है इन करेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ट्यूनिंग ऑफ सर्किट चैनल के ट्यूनिंग से रिलेटेड जो है चैनल ट्यूनिंग जो करते हैं ना उदरअसल कैसे करते हैं उसमें हमारा एल सी आर सर्किट होता है क्या सर्किट होता है एल सी आर सर्किट होता है ठीक है वो जो एल सी आर सर्किट होता है वो एंटीना से कनेक्ट होता है उसी से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये एल सी आर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ होता है तो यहाँ पे जब सिग्नल्स आती हैं तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो उसी सिग्नल की उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इसमें रिसीव हो जाती हैं और फिर आपको वो सुनाई पड़ता है तो अब आप देखिए कौन कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है तो एंटीना अ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मेनी ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बिल्कुल सही बात है छत पे आपने एंटीना लगा दिया एंटीना अब उसमें आपका सारे चैनल आ रहे हैं 92.7 आ रहा है 93.5 आ रहा है सारे सिग्नल आ रहे हैं जितने भी हैं समझ रहे हो ना तो सारे सिग्नल आ रहे हैं लेकिन आगे क्या करें फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल सही है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमें इनकरेक्ट वाला बताना ये correct है ये करेक्ट है ठीक है इसको मैं मिटा दूर करेक्ट वाला नहीं बताना है हमें इनकरेक्ट वाला बताना है तो सवाल ध्यान से पढ़ेंगे इनकरेक्ट बताना है करेक्ट बताना है तो ये ट्रू है अगला देखो टू हियर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन रेडियो इज ट्यून टू अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अगर आप पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लगाओगे तभी वो चैनल सुन पाओगे जिसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये भी सही बात बोला जा रहा है तीसरी बात क्या है

देखिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है वो ठीक है इसको समझिए आप कैसे सही बात बोल रहा है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो आप क्या करते हो रेडियो में आप कैपेसिटेंस चेंज करते हो जब हम कैपेसिटेंस चेंज करते हैं ना जब हम ये सी की वैल्यू सी की वैल्यू जब हम चेंज करते हैं तो उससे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जिस चैनल से मैच कर जाती है जैसे आपने सी की वैल्यू पर्टिकुलर इस तरह से सेट किया कि 92.7 मेगाहर्ट्ज आ गया तो फिर आपको 92.7 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल सुना ही पड़ेगा समझ रहे हो आप मेरी बात तो यही बात वो कह रहा है कि हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू इस प्रकार वेरी करते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर्किट का वो ऑलमोस्ट उसके इक्वल हो जाए रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाए तो वो सिग्नल मिल जाएगा ठीक है तो ये भी बात बिल्कुल सही है यानी हमारा सी ऑप्शन जो हो गया वो इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है जो वो चाह रहा है तो आप इसे टिक करेंगे ये टिक करेंगे आप ठीक है क्योंकि ये कह रहा है सोर्स है तो सोर्स ना इस तरह से तो हम उसको सोर्स कह नहीं सकते ठीक है चलिए विनय भाई सही बात नहीं है क्या सही बात नहीं है भाई चलिए कोई बात नहीं है पढ़ाई करना बिल्कुल सही बात है और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई ताना मार रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पढ़ाई कर रहे हैं शेयर करिए सब लोग पढ़ें ठीक है अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भैया एक महीना रह गया ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों थर्टी टू हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर इन करेक्ट अबाउट कैपेसिटर कैपेसिटर से रिलेटेड कौन सी बात इनकरेक्ट है करेक्ट नहीं है तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां लिखा है करंट इन कैपेसिटिव सर्किट इज आई एम मतलब मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू यानी वोल्टेज का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार ले रहा होगा वी मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी इसके फेज के रिस्पेक्ट में करंट का फेज लैग करा रहा है बिल्कुल सही बात है आपको पता है करंट लैग करता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है उसका वो क्या होता है लैग करता है एक सेकेंड ये गड़बड़ बन गया यहाँ ध्यान हाँ से देखो ये अगर करंट है तो वोल्टेज इसका पीछे होता है वोल्टेज इसका क्या होता है वी नॉट सी सॉरी करंट लीड करता है करंट क्या होता है लीड करता है राइट right? वोल्टेज लैग करता है तो ये क्या करा रहा है द करंट इन कैपेस्टो सर्किट इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू तो ये करंट क्या कर रहा है ये लैग करा रहा है जबकि करंट लीड होता है तो ये क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला ही मिल गया पहला स्टेटमेंट यहां पे मिल गया ये इनकरेक्ट है ठीक है भैया फॉर प्योरली कैपेस्टो सर्किट वन ओमेगा सी प्लेस रेजिस्टेंस ये सही बात बोल रहा है द करेंट रीसेज इज मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन द वोल्टेज बाई वन फोर्थ ऑफ अ पीरियड तो बिल्कुल बात है करंट जो है वो मैक्सिमम अर्लियर मतलब वो लीड कर रहा है और चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि एवरेज का ये फॉर्मूला होता है कि जीरो होता है तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया कि ये गलत बात बोल रहा है बोल रहा है नहीं बोल रहा है बताओ जल्दी फटाफट करंट के एक्सप्रेशन में ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू यानी करेंट को लैक करा रहा है जबकि फेजर डाइग्राम में क्या दिख रहा है देखिए फेजर डायग्राम में क्या दिख रहा है कौन चल रहा है तेज करंट तेज चल रहा है ये तो पीछे पीछे आ रहा है ना तो जितनी चक एक चक्कर में जब करंट एक <coughs> एक साइकिल पूरी करेगा तो वोल्टेज एक साइकिल नहीं थ्री क्वार्टर साइकिल पूरी कर रहा है तो पीछे है वोल्टेज पीछे है करंट आगे है करंट क्या होता है आगे होता है जबकि यहाँ पे पीछे कह रहा है तो ये गलत बात कह रहा है ठीक है इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट चलिए यही वो जानना चाहता था आपने पकड़ लिया चलिए बच्चों आज तो ग्यारह बज गए और होपफुली सर टैग लाइन बन गई ये तो एम सी क्यू सीरीज़ की अब नहीं तो कब <laughs> सही बात है अब नहीं तो कब चलिए यही टैग लाइन बनाते हैं अब नहीं तो कब तो आज इतना ही करते हैं बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एमडब्ल्यूएफ एफ टाइमिंग हमने फिक्स कर दिया है आपके लिए दस से ग्यारह उसमें हर चैप्टर के एम सी क्यू हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों थैंक यू सो मच और ऐसे ही पढ़ते जाइए ऑल द बेस्ट चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं